हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि आपको इस चैनल में क्लास 10 साइंस की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, जिसके लिए इम्पोर्टेंट थ्योरी, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को कई सारे पार्ट्स एमसीक्यूज के और न्यूमेरिकल्स के साथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके वीडियोज आपको मिल चुके होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। यहाँ से 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब बनने कन्फर्म है। कि किसी वस्तु को अनंत पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। ज्यादा करके हमेशा अवतल दर्पण से पूछे जाते हैं और जो रेयर केस होता है उसमें आपको सिर्फ उत्तल दर्पण देखने को मिलेगा। तो चलिए भाई समझते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और वस्तु को कहां पर रखने पर कैसे बनते हैं, छोटे बड़े कैसे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें टोटल बच्चों अवतल दर्पण के लिए 6 कंडीशंस हैं, टोटल 6 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन में वस्तु को अनंत पर रखा गया है। अब अनंत क्या होता है? तो मुख्य चीज से बहुत दूर है ना, ये रेखा कौन सी होती है? मुख्य अक्ष होती है। तो जब किसी वस्तु को मुख्य अक्ष से बहुत दूर रख दिया जाता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनंत। तो जब हमने वस्तु को अनंत पर रख दिया तो उसका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हो रहा है? मुख्य फोकस पर। कैसे प्राप्त हो रही है? तो दो किरणें यहां से डाली गई है और दोनों किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई है। और जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो बच्चों वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये भी जो किरण है मुख्य फोकस से जा रही है और ये भी समांतर जो किरण है मुख्य फोकस से होकर जा रही है। और जहां पर दो किरणें आपस में टकराती हैं, कट करती हैं, तो वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो गया मुख्य फोकस पर। तो बच्चों आप लोगों को याद कर लेना है कि यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है फोकस पर बनता है। अब छोटा बनता है, बड़ा बनता है, उसके बारे में देखिए। तो ये तो समझ में आ गया फोकस पर बनता है। आकार कैसा होता है? तो अत्यधिक छोटा है ना, मतलब बिंदु के आकार का। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप सोचें कि जब कोई वस्तु बहुत दूर रखी होगी ना और उसे आप देखोगे तो बिल्कुल छोटी दिखती कि नहीं दिखती है? तो बस वहीं से आपको अंदाजा लगा लेना है कि वस्तु बहुत दूर रखी हुई है तो बिल्कुल छोटी सी दिखती है, तो बिंदु के आकार का आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना। और बाकी प्रकृति की बात करें तो प्रकृति वास्तविक और उल्टा। टोटल 6 कंडीशन है और 6 कंडीशन में से 5 कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रकृति हमको वास्तविक और उल्टा मिलेगी, लेकिन लास्ट की कंडीशन में चेंज हो जाता है। तो इसे याद कर ले कि वस्तु को कहां पर रखें? अनंत पर, फोकस पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अत्यधिक छोटा मिलेगा मतलब बिंदु के आकार का, और वास्तविक और उल्टा मिलेगा। किरण आरेख भी एग्जाम में खींचने के लिए आ जाती है, ड्रॉ करने के लिए। आप तो यहाँ पर देख लीजिए दो किरण कौन सी हमें डालनी है ना। यदि हमें मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनाना है तो हमें दोनों किरणों को मुख्य के समांतर डालना पड़ेगा, तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तो थी बच्चों फर्स्ट कंडीशन। यदि हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में वस्तु को थोड़ा सा पास में ले आए हैं, मतलब अब वस्तु वक्रता केंद्र के थोड़ा सा पास में है, मतलब कह सकते हो इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो ऐसे केस में वस्तु आपको ये दिख रही होगी, ठीक है, ये भी एक वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब है वो हमें फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में दिख रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों डायग्राम बना कैसे, मतलब किरण आरेख कैसे खींचा, ये किन किरणों की वजह से खींचा? तो दो किरणें आपको दिख रही होंगी। पहली किरण ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। दूसरी किरण डाली जा रही है वक्रता केंद्र से, और जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र से ही वापिस आ जाती है। तो ये दोनों किरणें इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो यहाँ पर इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए भाई, तो वस्तु अनंत पर हो चुकी और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो चुकी। अब इसके बाद कंडीशन आएगी कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख दें, वक्रता केंद्र पर ही रख दें, उसको भी देख लेते हैं भाई। तो जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। हाँ, ये बड़ी
इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है। बोला भी गया है कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हो रहा है। कैसा मिल रहा है, समान आकार का, है ना। प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा तो कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा किरण आरेख कैसे खींचा गया है, तो इसके लिए आप लोगों को दो किरणें डालनी होंगी, कौन कौन सी, पहली मुख्य अक्ष के समांतर तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दूसरी मुख्य फोकस से डाली जाएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ना, ऐसी जाएगी और इसके समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों कहां पर काटेंगी, तो ये दोनों वक्रता केंद्र के नीचे काटेंगी। तो कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही मिलता है, और कैसा मिलता है बच्चों, समान आकार का प्राप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन में वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस, इन दोनों के बीच में वस्तु को रखा गया है। तो जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो मतलब ये वक्रता केंद्र, ये अनंत, तो इनके दोनों के बीच में प्राप्त होता है। आकार में कैसा होगा, तो वस्तु से बड़ा होता है, मतलब विवर्धित का मतलब बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब बड़ा कैसे लॉजिक लगा सकते हो, तो जैसे जैसे आप दर्पण से दूर जाओगे ना आपका प्रतिबिंब भी छोटा दिखेगा दर्पण में, लेकिन जैसे जैसे आप पास में जाओगे तो आपका प्रतिबिंब भी बड़ा दिखाई देने लगता है। सेम केस अवतल दर्पण में भी होता है ना। तो वस्तु अब पास में जा रही लगातार इधर की तरफ तो उसका प्रतिबिंब इधर आ रहा है, तो ऐसे केस में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बच्चों बड़ा दिखाई देगा, है ना, विवर्धित होगा। प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और उल्टा, सेम वही केस, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आती है इसकी पांचवी कंडीशन। पांचवी कंडीशन में वस्तु को हम लोग फोकस पर रख देंगे, तो जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं ना तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत पर बनता है। याद रखिएगा पहली भी कंडीशन में हमको कराई थी कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता था, फोकस में। अब वस्तु को फोकस पर रखा जा रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत पर प्राप्त होता है, मतलब उसी पोजीशन को उल्टा कर दिया गया है। कैसा बन रहा है, अत्यधिक विवर्धित बनता है, मतलब काफी बड़ा बनता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है। किरण आरेख कैसे खींचेगी, तो पहली किरण आपको डालनी पड़ेगी मुख्य अक्ष के समांतर तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, है ना। दूसरी वक्रता केंद्र से डाली जाएगी और जैसे वक्रता केंद्र से डाली जाएगी वो अपने मार्ग में वापस लौट आएगी, ठीक है ना। जब वापस से लौट आएगी तो ये दोनों बहुत दूर पर मिलेंगी जाके, तो वहां पर वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये तो थी पांचवी कंडीशन। अब जो लास्ट पोजिशन आती है, लास्ट पोजिशन में क्या व्यवस्था है, तो लास्ट पोजीशन कह रहा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए, ये सबसे अजीब कंडीशन होती है उत्तल दर्पण की, ध्रुव और फोकस के बीच में रख दिया जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के दूसरी तरफ बनता है, है ना। जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के दूसरी तरफ बनता है, और कैसा बनता है, बड़ा बनता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वस्तु ए बी कितनी छोटी है और प्रतिबिंब इससे कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, है ना। तो ये लास्ट पोजिशन है। अब इसमें वस्तु को उल्टा तो मानेगा नहीं, इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा प्राप्त होता है और विवर्धित प्राप्त होता है, ठीक है ना। और कहां पर प्राप्त हो रहा है, दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है। किरण आरेख कैसे खींचने, क्या तरीका है, तो पहली किरण को वक्रता केंद्र से डाला गया, दूसरी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डाला गया है तो मुख्य फोकस से होकर गया है। तो इस प्रकार दोनों को दर्पण के पीछे ऐसे बढ़ाने पर ये दोनों बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ए डैश पर, तो वहां पर इसका प्यारा सा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, मतलब आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। एग्जाम में 95% केस में अवतल दर्पण से क्वेश्चन पूछा जाता है, है ना, उसी में इतनी कंडीशन है और उत्तर में तो एक ही कंडीशन है, तो उसको बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, वस्तु को कहाँ पर रखते हैं और कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। और आपको बता दें इन छह कंडीशन में से तीन कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, जब किसी वस्तु को अनंत पर रख दें, ये पोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पोजीशन है कि वक्रता केंद्र पर रख दें, ये सेकेंड पोजीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पोजीशन जो इंपॉर्टेंट वो है बच्चों, जब किसी वस्तु को पोल मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में रख दें, तो इन तीन कंडीशन को तो आपको रट डालना है ना। और आपको किरण आरेख भी खींचना आना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है।
तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग इतना रखेंगे, बाकी मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। जब तक के लिए यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, बच्चों चैनल पर अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे।